बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया और अगर सरकार बनती है तो अगले 5 सालों में बीजेपी की सरकार क्या क्या करने वाली है, इसे बताने के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। जनता के मुद्दों को जनता के सामने रखने के लिए अगर फिर से सरकार बनती है तो अगले 5 साल के लिए क्या कार्यक्रम होगा, इसे जनता को बताने के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जयपुर में सीएम राजे और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र को राजस्थान गौरव संकल्प नाम दिया गया है। राजस्थान गौरव संकल्प में प्रदेश की जनता से कई वादे किए गए, साथ ही ये भी बताया गया कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। बीजेपी के राजस्थान गौरव संकल्प में किसानों और बेरोजगारों पर खास ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए बीजेपी का संकल्प, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, एमएसपी खरीद की प्रक्रिया और सुदृढ़ पारदर्शी बनाएं, कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्टअप फंड बनेगा, नए सदस्यों को ऋण देने का अभियान चलेगा, इसके लिए 1 लाख करोड़ का सहकारी ऋण 5 साल में देंगे, हर संभाग में बनेगी ऋण राहत आयोग की बेंच। किसानों की आय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लोगों को कि उसको दुगना करने की जरूरत है। अगर उसको हमें दुगना करना है तो फसलों की लागत का 1.5 गुना भाव उसके अंदर मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने एमएसपी की खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। राजस्थान गौरव संकल्प में ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना से वंचित गांवों को जोड़ने की बात कही गई, साथ ही 6000 करोड़ रुपए की लागत से जवाई बांध का पानी लाने का जिक्र किया गया। ईस्टर्न राजस्थान केनाल की योजना बहुत बड़ी योजना है और उसको हम उसमें लूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद सम 37,000 करोड़, अबाउट 80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा के सुधार होगा और साथ साथ 2 लाख हेक्टेयर में नवीन सिंचाई की सुविधा भी खुली जाएगी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना से वंचित गांवों को जोड़ने की योजना, 6100 करोड़ की परियोजना से जवाई बांध में पानी लाएंगे। राजस्थान गौरव संकल्प में बीजेपी ने कहा कि सत्ता में वापसी होने पर हर जिले में योग भवन बनवाया जाएगा, साथ ही सेना में भर्ती होने की तमन्ना रखने वाले युवाओं को भर्ती कैंप शुरू होने के 3 महीने पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही मापदंडों को पूरा करने वाले उन बेरोजगारों को जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है उन्हें हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इनके साथ ही हर साल करीब 30,000 सरकारी नौकरियां देने का भी लक्ष्य रखा गया। वहीं निजी क्षेत्रों में करीब 50 लाख नौकरियां देने का भी जिक्र किया गया है। प्रत्येक जिले में एक योग भवन का काम, सेना भर्ती शिविरों को की नियत तिथि 3 माह पूर्व सब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर उपखंड के अंदर हम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का काम करेंगे। शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने के लिए उनको रोजगार मिले ऐसे संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह देकर बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में नरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून लाने का भी जिक्र किया गया है। जो वादा किया था रोजगार का उसको भी हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। राजस्थान गौरव संकल्प की सबसे खास बात है कि राजस्थान वाला इस योजना के जरिए सभी जिलों को 4 लेन हाईवे से जोड़ने की बात कही गई है। राजस्थान माला के 250 से ज्यादा आबादी के 100% गांव बस्तियां सड़क से जुड़ेंगे। इन सबके साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की दिशा में भामाशाह योजना को बढ़ाने की भी बात कही गई है। सभी जिलों का आपस में जोड़ने के लिए 4 लेन का राजस्थान माला हाईवे चरणबद्ध रूप से बनाया जाएगा। इन सबके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए योजना, राज्य गौचर विकास, मोक्ष मुक्ति धाम बोर्ड, स्वर्ण कला बोर्ड, रजल कला बोर्ड बनाने का भी जिक्र किया गया है। पिछले 5 वर्ष का और आने वाले 5 वर्ष का एक संक्षिप्त में चित्र मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा है। बीजेपी की घोषणा पत्र में हर क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ देने का वादा किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या जनता बीजेपी के संकल्प पत्र से खुश होती है और इससे बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा मिलता है। जयपुर से शशि मोहन शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बीजेपी ने गोरखधंधा शब्द पर पाबंदी लगाने का वादा प्रदेश की जनता से किया है। पार्टी ने ये वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। घोषणा पत्र के सबसे आखिर में जहां पार्टी ने अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले वादों का जिक्र किया, उसमें अनैतिक या गलत कार्यों के लिए गोरखधंधा शब्द इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने की मंशा जताई है। इस कॉलम में साफ लिखा गया है कि अनैतिक बुरे काम या गलत कामों के लिए गोरखधंधा शब्द को प्रतिबंध कर सजा दिए जाने का कानून बनाया जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में कई बार गलत काम या हेर फेर के लिए गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नाथ संप्रदाय के लोग समय समय पर इस पर एतराज जताते रहे हैं। भाषा के जानकारों का मानना है कि यह शब्द गुरु गोरक्षनाथ से निकला है। दरअसल गोरक्षनाथ गायों की रक्षा करते थे, लेकिन उनके नाम से होता हुआ यह शब्द कहीं न कहीं गोरखधंधा बन गया और कई बार इसे गलत अर्थ में भी काम लिया जाने लगा। और अब जागरूकता आने के साथ ही जब इस शब्द के गलत इस्तेमाल का एतराज जताया गया तो राजस्थान बीजेपी ने भी इस पर सहमति जताई है। तो बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश की जनता से कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया, मगर बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बता दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में बहकावे के अलावा और कुछ नहीं है, जनता बहकावे में नहीं आएगी। किसान को 250 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड और एक विशेष सेटअप के माध्यम से कर्ज राहत की चर्चा सबसे मुख्य तौर से की गई। किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया, पर सच्चाई क्या है? वित्त मंत्री शायद ये बताना भूल गए कि उनके अपने कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं, राजस्थान का 62% किसान परिवार कर्ज के बोझ के तले दबा है। ये हम नहीं कह रहे, वो वही वित्त मंत्री कह रहे हैं जो आए थे। संकल्प पत्र है, वो उसे संकल्प पत्र कहें पर वो है प्रपंच पत्र। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा बन गई है झूठों की फौज जो कर रही है जुमलों पर मौज। कांटे बोकर जमी से हिसाब मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और छलावा पत्र पेश किया, जिसको पेश करने के कर्णधार थे झूठों के सरदार ब्लॉक मंत्री श्री अरुण जेटली, क्योंकि वो वित्त मंत्री तो रहे नहीं, और जनता द्वारा पहले से ही खारिज कर दी गई श्रीमती वसुंधरा राजे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान केरल में जमकर हुंकार भरी। अमित शाह ने जालोर और सिरोही में जनसभा को संबोधित किया और दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परिपाटी को अब तोड़ने का वक्त आ गया है और प्रदेश में विकास के लिए एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाए। इसके बाद अमित शाह ने सिरोही में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां भी अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज हर जगह बीजेपी का झंडा फहरा रहा है और ऐसा बीजेपी की योजनाओं की वजह से हुआ है। कांग्रेस को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस की नीतियां अच्छी होती तो जनता उसे नकारती नहीं। आज राजस्थान में मैं आया हूं, मीडिया वाले हमारे विरोधी एक कहावत है, क्या एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा की, एक बार भाजपा की, एक बार कांग्रेस आती है। मगर मित्रों, मैं आज जालौर की धरती पर से दलके की चौथ पर कहना चाहता हूं कि यहां फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पूरे देश भर के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है,
ये मेरा राजस्थान तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, मगर मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं। अरे यार क्यों हंस रहे हो आप? मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपका नेता कौन है, आपकी नीति क्या है, आपके सिद्धांत क्या है? ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। किस तरह से राजस्थान की महान जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हो मित्रों? ये राहुल बाबा को दिन में स्वप्न आते हैं, स्वप्न देखना चाहिए, मगर दिन में स्वप्न देखना चाहिए माता है बताए, जरा देखना चाहिए क्या? मैं अभी मैंगलोर से आ रहा था, एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में बैठा था, टीवी चालू था, राहुल बाबा दिखाई पड़े। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जमकर जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस को निशाना किया। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी शंभू सिंह खेतासर ने लाल सागर में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क यात्रा के दौरान लाल सागर मंडल के सभी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे और सभी ने जय घोष के साथ जीत दिलाने का भरोसा दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शाह के मामले में जहां निर्वाचन विभाग ने जयपुर कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की, तो वहीं जोशी का मामला आयोग को भेजा गया है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान के विवादित बयान को लेकर उन्हें भी नोटिस दिया गया। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा को लेकर जातिगत टिप्पणी करने वाले सीपी जोशी ने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग काफी गंभीर नजर आ रहा है। अलग अलग तरह के विवादित बोल के मामलों को लेकर इस दौरान निर्वाचन विभाग काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है।